हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करें आईसीएमआई के बच्चों को लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि आपके पास सीए सीएमए सीबीएसई के रिलेटेड अपडेट्स नोटिफिकेशन और नई चीज़ें जो भी आईसीएमआई आईसीआई कोई भी निकाले आपको सबसे पहले मिल सके, कहीं आपको दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट रिगार्डिंग सीएमए फैमिली ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और उन्होंने उस ट्वीट में बताया क्या वो देखते हैं। नाउ ओनली 24 डेज आर लेफ्ट, 4-day एग्जाम एट दिस टाइम, स्टूडेंट टॉक अबाउट द एडमिट कार्ड एंड वेयर विल बी द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन बी, बट द सिचुएशन इज दैट इवन नाउ डी टॉक इज गोइंग ऑन द पेपर पैटर्न एंड MTP, दूसरे इंस्टीट्यूट का एडमिट कार्ड आने वाला है और हमारा MTP, CMA स्टूडेंट #ICMI। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं बच्चे कि हम लोग का 24 डेज बचा हुआ है और अभी तक MTP पर ही बात हो रहा है और बाकी सब चीज़ों पर बात हो रहा है, पर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा इस चीज़ पर बात नहीं हो रहा है। हो सकता है बच्चा आपका एग्ज़ाम डिले किया जाए, हो सकता है, कन्फर्म नहीं हूँ। तो कन्फर्म करने के लिए क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसा सिस्टम चल रहा है, बाकी सब इंस्टीट्यूट यहाँ एडमिट कार्ड देने वाला, इवन CA 18 या 22 तक एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा, पर ICMI का कुछ पता नहीं है, ना सेंटर दिया ना कुछ दिया और सीधा बोल दिया कि MTP सॉल्व करो। यहाँ तक कि फाइनल वालों का तो पोर्टल तक नहीं आया ऑनलाइन का, तो हम ये कैसे समझ के रखें कि हम लोग को एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा? और सबसे बड़ा था, हम लोग को प्रैक्टिस करने कब मिलेगा? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, कोई बच्चा कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को, बस अपने लिए लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब ज्ञान देने पे तुले हुए हैं। मान लीजिए हम देख रहे हैं यूट्यूब पर कुछ कुछ लोग हैं जो समझाते पढ़ाते कि हाउ टू पेपर सॉल्व इन CMA एग्ज़ाम ऑनलाइन, उनको खुद नहीं आ रहा है पेपर सॉल्व करने CMA का और वो ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब के वीडियोस पर। तो यहाँ सिंपल सी बात है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई ट्विटर और हर जगह चल रहा है, उन चीज़ों को दिखाओ, बच्चों को फेक चीज़ों मत दिखाओ, जो दिखाओगे वही बच्चे समझेंगे। इसीलिए मैं कभी भी कुछ गलत आप लोग के सामने नहीं लाता हूँ, ताकि क्योंकि देखो एक बार हम गलत ले आएंगे, मेरे 1000 बच्चे अगर देखे बहुत ख़राब लग जाएगा वो बच्चा अगर गलत समझ जाएगा कुछ, तो इसलिए मैं उनके लिए कभी कुछ गलत लाता नहीं हूँ, सिंपल सी बात। बाकी हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं बच्चों का क्या है, क्योंकि हम लोग हर वीडियो में वही बात करते हैं जो बच्चों के लिए होता है। बच्चों ने यहाँ क्या लिखा है, दूसरे इंस्टीट्यूट यानी CA and CS ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर भी दिया, हमारे ऊपर तो नंगी तलवार लटकी हुई है। ऐसा नहीं है भी CA CS ने एडमिट कार्ड नहीं रिलीज़ किया, जैसे ही करेगा उस पर भी मैंने वीडियो बनाना है। आई हैव अ डाउट, मैनी सडन नोटिफिकेशन कम फॉर पोस्टपोन ऑफ एग्जाम ड्यू टू सम अनवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ICMI प्लीज डोंट डू दिस क्लेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर डिटेल्स पब्लिश अर्लीस्ट, मैनी स्टूडेंट हैव टू ट्रेवल ऑन सिटी टू अनदर। सही बात है, ये सबसे बड़ा बात है कि बहुत सारे बच्चों को दूसरे सिटीज़ भी ट्रैवल करना पड़ जाता है, जो गाँव में रहते हैं उनको तो ट्रैवल करके आना पड़ता है। अगर उनको अभी तक पोस्टपोन का या फिर कोई ऑफलाइन एग्जाम का या एग्जाम एडमिट कार्ड या किसी भी तरह का पता नहीं चलेगा, तो वो कहाँ से वो ट्रैवल करेंगे? सबसे बड़ा बात तो ये सब ग्लोबल होने का नतीजा है। ग्लोबल अभी हुआ कहाँ है, ये सब सिर्फ फालतू बात है। ग्लोबल ओबल जस्टिस फॉर स्टूडेंट हमेशा आपके लिए सपोर्ट करेगा यह चैनल और करता रहेगा, ट्रू। चलिए, अच्छा लगा, सबका बात अच्छा लगा सुन करके, कोई किसी ने नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं फैलाने की कोशिश की और मैं हमेशा नेगेटिविटी के खिलाफ भी रहता हूँ, इस चीज़ को हम लोग चलिए रीट्वीट भी करते हैं। आई होप आपको ये ट्वीट जान करके अच्छा लगा होगा, फिर से एक बार कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर लें। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन को लेकर के, थैंक यू एवरीवन।